नमस्ते, स्वागत है सभी को भाग्यश्री किचन में। तो आज हम बनाएंगे ये मीठी मलाई वाली लस्सी, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है और हम अपने बच्चों को भी ऐसा लस्सी बना के पिलाएंगे तो अच्छा लगेगा गर्मियों में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है फुल क्रीम, और अच्छे से गर्म करके इसे थोड़ा सा गुनगुना होने तक ठंडा कर ले, और इसमें 2-3 चम्मच आप दही मिला लीजिए ताकि दही अच्छे से जम जाए। 5-6 घंटे में अच्छे से दही जम जाएगा, इतनी गर्मी है ना, इसीलिए। तो देखिए दही जम गया है, अब इसे ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद हमारा दही बहुत अच्छा और भी गाढ़ा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मैं आपको मलाई दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छे से मलाई का बना है। हमें ऐसा ही दही चाहिए अपनी लस्सी के लिए। अब हम सारा ऊपर से एक बाउल में मलाई निकाल लेंगे। इस तरीके से सारा मलाई निकाल के हम रख लेंगे। ऐसा ही दही चाहिए, हम पैकेट वाले दही से भी लस्सी बना सकते हैं। सजाने के लिए गुलाब की पंखुड़ी और मैंने कुछ बादाम ले लिया है, आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से चॉप कर लेंगे बारीक सा। अब हम दही को मिक्सी जार में ले लेंगे अच्छे से। अब 3-4 चम्मच आप चीनी ले लीजिएगा, आप अगर आपको और मीठा चाहिए तो और भी ले सकते हैं। और इसे हम अच्छे से चला लेंगे आइस क्यूब डाल के, ठंडी ठंडी अच्छी लगेगी। इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि झाग अच्छे से निकला है, देखिए और कितना गाढ़ा है। चलिए हम इसमें डाल लेते हैं, देखिए कितना अच्छा बना है। और हम इसी के ऊपर अब मलाई भी अच्छे से डाल देंगे, मलाई मार लस्सी। देखिए अब हम बादाम भी अच्छे से डाल लेंगे, इतना अच्छा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है ना लस्सी। अब हम इससे भी सजा लेंगे गुलाब की पंखुड़ी से, और भी सुंदर लग रहा है हमारी लस्सी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, इसे फ्रिज में रखिए 2 घंटे के लिए, और उसके बाद आप पिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, इतना ठंडा ठंडा लगेगा, और आप लोग इंजॉय करिएगा।